सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और गाइस क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको सबको जैसे ही बताया था कि हम लोग आज कहीं जाने वाले हैं, ठीक है। सो उसकी पैकिंग स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। बैग वगैरह रख लिया और हम लोगों ने सिर्फ कपड़े उतार कपड़े निकाल के रखने हैं उसके अंदर, तो जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं। इसके चलते मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए और अब देखना है क्या क्या लेके जाना है, तो बैग ये रहा, जल्दी जल्दी पैक करते हैं फिर। सो गाइस क्या बोलते हैं, इस टाइम सवेरे हो चुकी थी, हम लोगों ने रात को रिकॉर्ड नहीं करा था। और गाइस क्या बोलते हैं, सवेरे का जो व्यू है वो इस तरह का था कुछ, सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और गाइस मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उस टाइम बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, तो आप लोग देख सकते हो गाइस यार कितना प्यारा व्यू है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, और गाइस जो हमारी ट्रेन थी वो चंडीगढ़ से लखनऊ तक थी, चंडीगढ़ से बन के, और इसका जो लास्ट स्टॉप है वो लखनऊ ही होता है, तो हम लखनऊ पहुँचने ही वाले थे, कुछ मतलब थोड़े टाइम बचा था। और गाइस क्या बोलते हैं, ट्रेन के कुछ 13-14 स्टॉप थे तो उनको सबको हम लोगों ने मिस करा और सिंपली हम लोग चलते गए लखनऊ स्टेशन की ओर। सो उससे पहले आप लोग ट्रैक साउंड सुनो, ये आपके लिए रिकॉर्ड करा है, तो बहुत कमाल का है, तो सुनो। सो गाइस फाइनली हम लोग लखनऊ स्टेशन पे पहुंच चुके थे और इसका जो एंटर था आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, एक लोको भी खड़ा सामने। और गाइस बहुत कमाल का स्टेशन है गाइस, बहुत बड़ा स्टेशन है गाइस, मैं बात करूँ चंडीगढ़ से तो गाइस बहुत बड़ा स्टेशन है। और फाइनली गाइस हम लोग लखनऊ स्टेशन पे हाँ पहुँच चुके थे, जैसे कि आप लोग बोर्ड देख सकते हो लखनऊ स्टेशन का। सो गाइस कहते हैं लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और मेरे पास दो सामान है, जैसे कि देख रहे हो आप लोग, एक नीचे बैग है एक ऊपर और एक मैंने कैमरा पकड़ रखा है। सो गाइस हम लोग स्टेशन से उतर चुके हैं, आप लोग जा रहे कहते हैं बस यहाँ से लेने। सो यहाँ से गाइस गए बस बहुत दूर है, चलते गए इस बस स्टैंड पर पहले और फ्लैग इंडिया का जल्दी देख रहे हैं आप लोग पीछे। सो चलते गए पहले बस के पास। सो गाइस मैं आपको अब सबसे बड़ी रिवर दिखाने वाला हूँ, जो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कह सकते हो। वो गाइस बहुत बड़ी नदी है ये, इसका नदी का नाम दोस्तों है घाघरा नदी, घाघरा रिवर भी कह सकते हो। और गाइस सामने हमारे एक ट्रेन का एक ब्रिज है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, उसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ब्रिज है। और ठीक दोस्तों हम लोग सड़क पर चल रहे हैं, इस टाइम सड़क पर बस चल रही है और कई सर बहुत बड़ी नदी है। फिलहाल तो गाइस इसके अंदर एक पानी तो नहीं है क्योंकि दोस्तों फरवरी का महीना और यहाँ बारिश नहीं होती, बट गाइस जून जुलाई जब बरसात का महीना होता है तब गाइस जो पानी है ब्रिज को भी छू जाता है, इतना पानी गाइस इस मतलब रिवर के अंदर होता है जून जुलाई मतलब बरसात के महीने में। और फिलहाल भी कई सर इस टाइम भी बहुत पानी है कह सकते हो इस टाइम पर भी। चलो गाइस जल्दी जल्दी रिवर क्रॉस करते हैं। फाइनली गाइस क्या हम लोग बस से तो उतर चुके हैं और अभी हम लोगों ने एक और ऑटो करना है यहाँ से, फिर जाके हम फाइनली अपने घर पे पहुँचेंगे। अभी फिलहाल सड़क पे खड़े जैसे ही देख रहे हो और जल्दी ऑटो का वेट करते हैं हम लोग, फिर चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और हमें कुछ 15 घंटे लगे गए इस आने में। सो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ क्योंकि बहुत थक गया हूँ, तो अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर बाद, कल से स्टार्ट करूँगा वैसे तो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सब तक के लिए बाय।